स्थानीय मसानगंज स्थित मां बिजासन मंदिर में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ शनिवार को विधिवत घट स्थापना के साथ किया गया। शतचंडी महायज्ञ आयोजन समिति की ओर से श्रेष्ठ नवीनतम धार्मिक कार्यों के माध्यम से भक्तों को आत्मीय आनंद से भरे भाव विभोर करने की परंपरा के चलते मां बिजासन मंदिर में चैत्र नवरात्रि दौरान श्रीमद् नर्मदा पुराण का आयोजन कर भक्तों को उल्लासमय क्षण दिया गया। माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से जीव को सदगति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा का अद्भुत प्रभाव है, अक्षुण प्रभाव है। पर एक बात बताए, ये तो माँ का प्रभाव है, माँ सदगति दे ही देगी, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। जब हम तीर्थ की तरफ चले, जब हम मां नर्मदा के स्नान की तरफ चले, तो मन में श्रद्धा होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। नहीं तो भीड़ हमने बहुत देखी है, गंगा में भी और नर्मदा में भी, और सिर्फ भीड़ में सम्मिलित होने जाते हैं। हम भीड़ का हिस्सा बनने मात्र जाते हैं। इलाहाबाद में और कुंभ लगा हुआ और बहुत देख के आया, अरे रंदा रंदा बहुत भीड़ थी साहब, निकलने को रास्ता नहीं था, बड़ी भीड़ थी। ये भीड़ देखने जाता, एक बार क्या हुआ, घटना घटी। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ने कहा, हम अपने भक्तों की परीक्षा तो लें, जो नर्मदा स्नान करने आते हैं इनमें कुछ श्रद्धा है कि नहीं, कि ऐसी डुबकी लगाने आते हैं शरीर धोने। तो माँ पार्वती और शिव साधारण रूप लेकर नर्मदा के तट पर आए, और नर्मदा भैया के तट पर भगवान शिव कोढ़ी का रूप लेकर, काय का कोढ़ी का, जिनके शरीर में रुग्ण है, कुष्ठ है, ऐसा रोग हो गया कि रुधिर और पीव शरीर से बह रहा है। और भगवान शंकर नर्मदा के पावन तट के पास बैठ गए, और पार्वती की सुंदरी बनकर बैठ गई उनके पास। बहुत दिव्य स्वरूप, माँ ने पंखा लिया हाथ में और मिला रही है। श्रीमद् नर्मदा पुराण में मां नर्मदा देवी का जन्मोत्सव साकार किया गया। भगवान शंकर के जटा से निकलकर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के अमरकंटक से उद्गम हो पूरे मध्य प्रदेश की धरा को पावन कर गुजरात से होकर जब नर्मदा मैया सागर में विलय हुई, तब अपने दोनों तटों पर 99 करोड़ छोटे बड़े तीर्थों का निर्माण किया। अलौकिक आध्यात्मिक धार्मिक स्वरूप के साथ करुणा का स्वरूप भी है नर्मदा, जिनके स्पर्श मात्र से ही एक असीम शांति प्राप्त होती है। होशंगाबाद निवासी भागवताचार्य पंडित गणेशराम शास्त्री के इस प्रवचन का बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रवण लाभ ले रहे हैं। महायज्ञ आयोजन समिति द्वारा इस परिसर में सदैव ऐतिहासिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाती है। उसी श्रृंखला में मां बिजासन चैत्र नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत श्रीमद् नर्मदा पुराण एवं दुर्गा पाठ, देवी पूजन, देवी अर्चन का आयोजन किया गया। आज 5वां दिन है इस पूजन का, इस पाठ का और नर्मदा पुराण का। पंडित गणेश राम जी शास्त्री होशंगाबाद निवासी, इनके सानिध्य में जो कार्यक्रम शुरू है वो यथावत और पूर्ण विधि विधान के साथ शुरू है। महिलाओं की अपार गर्दी इस कार्यक्रम में हमें दिख रही है। इस मौके पर सुगनचंद गुप्ता, मनोज गुप्ता, दीपक सम्राट, सुंदरलाल लटोरे, सूरज बसेरिया, व्यवस्थापक प्रणय साहू, सिद्धार्थ गोयल आदियों ने सहकार्य किया। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज़।